Hello students, welcome to Professor Trimp channel. Myself Dr. Kajal Rai, and today I am going to show you how the conversation work in Scratch programming. As you know, Scratch programming is the programming which is designed for kids to know how the programming works, how you can do block programming in this. You don't have to need to write the coding, just you have to drag and drop the blocks over here in this sprite area. This is the sprite area and this is the stage where your sprite works, and this is your sprite. You can choose multiple sprites also from this area. Like if I want to change this cat or I want to choose some another sprite also, I can take it like this. And in the similar way, I can change the stage also. This is the stage which is white, and if I want to change this stage, I can select any other stage like this. Now these sprites are placed on this stage. This is a simple video. I will show you the conversation also in this video, how the Scratch will ask you something. करते हैं कन्वर्सेशंस करवाने के लिए, हम सबसे पहले तो इवेंट को अपने स्टार्ट करेंगे व्हेन क्लिक लगा के. उसके बाद कन्वर्सेशंस कहाँ पर होती हैं? लुक्स में होती हैं. तो लुक्स वाले में हमने ये लिखा हुआ है से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स. ओके, तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये कैट क्या करेगा, ये हेलो बोलेगा 2 सेकेंड्स के लिए. यहाँ पे आप सेकेंड्स को चेंज भी कर सकते हो, कितने सेकेंड्स तक करना है, और इस तरह से वो कन्वर्सेशन कर सकता है. राइट, इसी तरीके से इसमें एक और चीज़ होती है, वो सेंसिंग में जाकर होती है. सेंसिंग के अंदर आप आस्क भी कर सकते हो. आस्क में मतलब ये भी कन्वर्सेशंस का ही पार्ट होता है कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और उस क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना पड़ेगा. आपके आप यहाँ पे क्वेश्चंस पुट आउट कर रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई, और फिर आपको आंसर देना पड़ेगा. जैसे मैंने ये रन किया, 5 सेकंड्स तक इसने हेलो बोला, उसके बाद एक क्वेश्चंस फ्रेम करेगा ये कि इसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम. जब यहाँ पे आप अपना नाम दोगे और एंटर करोगे तो ये नाम इसके पास चला जाएगा. लेकिन आपको तो शो नहीं हुआ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके पास नाम क्या हुआ है. जो भी ये आंसर वो उसमें आता है, जब भी हम टाइप करते हैं कुछ, वो स्टोर होता है इस आंसर के अंदर. ठीक है, अब हम इस आंसर को कैसे यूज़ कर सकते हैं. वापस से हम ये जाएंगे और इस आंसर को हम हेलो की जगह यहाँ पे प्लेस कर देंगे. तो अब क्या होगा, अब वो रन होगा प्रोग्राम, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे. स्प्राइट ने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ योर नेम, आपने नेम टाइप किया और एंटर किया, उसके बाद उसने आंसर में बता दिया. यहाँ पर आया था ना लिखा हुआ 2 सेकंड्स के लिए, तो वो आपको बता देगा कि आपने क्या आस्क किया था, उसका आंसर आपने क्या दिया था. ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर जब आप दोगे तो वो कहाँ पे जाएगा, आस्क में जाएगा. राइट, तो अगर आपका सिस्टम ऑन है और अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एक बार ट्राई कर लो इसको.